नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवरनेश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज दक्षिण दिशा के किसानों में सेफ्टी टैंक और ड्रेनेज लाइन कैसे हम निकालें, काफ़ी इस पर कमेंट आ रहा है। ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि गुरुजी आप मदद करें और हम जो है सो बहुत उलझन में पड़ गए। अब ध्यान से समझिएगा, बारीकी से समझिएगा, ये वीडियो आपके लिए अंत तक देखिएगा, सारे सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। ध्यान से देखें क्या क्या चीज़ है। दक्षिण दिशा का जो पूरा क्षेत्र आता है वह डिग्री के हिसाब से आपको मालूम है, अर्थात 135 डिग्री से 225 डिग्री के बीच ये पूरा दक्षिण का दीवार आता है। इस दक्षिण के दीवार में किसी प्रकार का कोई भी गड्ढा या ड्रेनेज या किसी प्रकार का कोई चीज़ अगर देते हैं तो बहुत सावधानी से आपको करना है, क्योंकि इसका परिणाम आपको फिर सही नहीं मिलेगा, अच्छा नहीं मिलेगा, आप परेशानी में आ सकते हैं। तो इसी को थोड़ा समझना है। दक्षिणमुखी प्लॉट अगर आप बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये वीडियो छोटा होगा और ये केवल हम आपको सेफ्टी टैंक पर डिटेल कर रहे हैं और जो ड्रेनेज लाइन लेकर के जाएंगे उस पर बात कर रहे हैं। तो जो ये पूरा क्षेत्र हमने बताया, इसमें आपको ड्रेनेज का या सेप्टिक टैंक का बहुत सावधानी से रखना है। आप सेप्टिक टैंक का पहले निर्माण कहाँ कर सकते हैं? पहला स्थिति है कि आपको बाइब कोण में पश्चिम के दीवार पर, अर्थात सेंटर वेस्ट और बाइब कोण दोनों के बीच में जो क्षेत्र आता है 1-2 पद, उसमें आप बना सकते हैं ड्रेनेज। पहला चीज सेप्टिक टैंक का, सेफ्टी टैंक का गड्ढा वहीं होना चाहिए। इस गड्ढे का आकार आयताकार हो बहुत अच्छा है, या वर्गाकार भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। उसके बाद दूसरा जो जगह आता है उत्तर के दीवार पर, उत्तर और बाइब कोण के ठीक बीच में, अर्थात सेंटर नॉर्थ से लेकर के आपको बाइब कोण के बीच में जो क्षेत्र आता है वहाँ पर आप बना लें। तीसरा क्षेत्र है जो पूर्व के दीवार पर आप ले सकते हैं और वो आता है सेंटर ईस्ट के से अग्नि कोण के बीच में। ये तीन जगह जो आपको है, यह आपको सेप्टिक टैंक बनाने के लिए बहुत ही अच्छा है और इसमें किसी प्रकार का आपको दुविधा नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है और ये बुरा परिणाम नहीं देगा। अब हम आते हैं कि अगर ये तीनों जगह बनाने की स्थिति हमारे पास बिल्कुल नहीं है तो क्या करें। तो इसके लिए आप जो आता है जगह, वह आता है कि अगर आप साउथ में ही बनाएंगे तो जितना छोटा बना सकें और ये जो क्षेत्र है SSW के क्षेत्र में बनेंगे तो यहाँ पर भी आप बना सकते हैं, लेकिन उसका कुछ साथ में आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट में जैसे कॉपर वायर इत्यादि चारों तरफ लगा करके फिर उसके बाद दीवार खड़ा करना पड़ेगा, ऊपर भी और नीचे भी और बीच में भी देना है। तीन तीन चारों दीवार पर पिरामिड देना पड़ेगा, जो आपको वाइट कलर का पिरामिड हो तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, कंट्रोल रहेगा। ये पूरे क्षेत्र में ग्रीन कलर का कारपेट उस पर ढक करके रखेंगे तो ये सारे चीज़ आपको कंट्रोल होगा और ये फिर अच्छा रिजल्ट दे सकता है। तो ये ड्रेनेज जो है सेप्टिक टैंक को आपने समझ लिया, चार जगह हम बताए, चारों को ध्यान से आपको रखना है। अब ड्रेनेज लाइन कैसे निकालें, ड्रेनेज लाइन के लिए क्या करना है। ड्रेनेज लाइन के लिए सबसे आपको जो ध्यान रखना है कि इसके ब्रह्म स्थान से कोई भी पाइप ड्रेनेज कर नहीं जाए। ब्रह्म स्थान आप जानते हैं कि जो बीच का क्षेत्र है उससे नहीं जाए, अर्थात उससे हट करके आप ले जा सकते हैं दक्षिण की तरफ, अर्थात वह 9 पद छोड़ करके आप थोड़ा सा जो है तो दक्षिण तरफ से ले करके और पश्चिम के दीवार में मिला सकते हैं। तो ये ड्रेनेज लाइन आपका हुआ। अगर आपको पानी साउथ से निकालना है तो कैसे निकालेंगे, दूसरे प्लॉट में जा नहीं सकते, चारों तरफ दूसरे का प्लॉट है, आपका नाला जो है यह आपको साउथ में है, साउथ मुखी के लिए यही एक समस्या है। तो इसके लिए SSW के क्षेत्र से ही बाहर निकाल सकते हैं। अब ये क्षेत्र है कहाँ, यह सेंटर साउथ
और नैऋत्य कोण के बीच का जो क्षेत्र आता है दक्षिण पश्चिम दक्षिण का क्षेत्र, जिसको हम SWS का क्षेत्र कहते हैं। यह ड्रेनेज का जगह है, यह डिस्पोजल का जगह है, और यहाँ से अगर ड्रेनेज लाइन आप बाहर निकाल लेते हैं तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा, अच्छा रिजल्ट देगा, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या में जाने नहीं देगा। आप जिस तरह से करें, नाप कर करें, सही ढंग से निकालें ताकि इसी ढंग से निकले, और अगर कोई और सलाह चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आए, बिल्कुल हम आपको बताएंगे, और ये आपके लिए बहुत अच्छा योगदान होगा। ये वीडियो आपके लिए है खास करके, और आप अपने मित्र मंडली तक पहुँचाएँ इसीलिए जो है, ताकि ये ज्ञान आपको और आपके परिवार को खुशहाल रह सके। और ये सारे चीज़ अगर कर लेते हैं तो जीवन में आपको सफलता मिलेगी ही, कामयाबी मिलेगी ही, कोई रोक नहीं सकता। धन्यवाद, फिर मिलते हैं, नमस्कार।